तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। ई श्रम कार्ड में बाकी बचे लोगों को 1000 रूपए कब मिलेगा बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल सरकार 1.5 करोड़ ई श्रम कार्ड धारकों को 1000 रूपए दे दी है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे ई श्रम कार्ड धारक हैं जो 31 दिसंबर से पहले कार्ड बनवा लिए थे, लेकिन उनके अकाउंट में अभी भी पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। तो कब मिलेगा 1000 रूपए और किसे नहीं मिलने वाला, ये भी बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ई श्रम कार्ड स्कीम के तहत नहीं आई पहली किस्त, यहाँ से मिलेगी पूरी मदद, देख लीजिए पूरा अपडेट, आपको बताएंगे क्या इसमें पूरी जानकारी दी है। तो दोस्तों, यदि आपने ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत आवेदन किया है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पात्र श्रमिकों के खाते में भरण पोषण भत्ते के रूप में 1000 रूपए ट्रांसफर करने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह काम विगत सोमवार से शुरू कर दिया गया है। इस सप्ताह लाखों श्रमिकों के खाते में पहली किस्त पहुंच चुकी है। जिन श्रमिकों के खाते में यानी अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि आपको बता दें योगी सरकार पूरे सप्ताह कामगारों के खाते में पैसे भेजने का काम करेगी। यदि आप भी ई श्रम कार्ड के तहत आवेदन किए हैं तो आपके खाते में भी 1000 रूपए आएगा। आपको बता दें 15 जनवरी तक ये कार्य चलेगा, जिसमें सभी लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे ई श्रम कार्ड धारकों के। दरअसल आपको बता दें यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ई श्रम पोर्टल के माध्यम से कामगारों का डाटा तैयार कराया था, जिस पर श्रम विभाग महीनों से काम भी कर रहा था, ताकि कोई पात्र कामगार योजना के लाभ से छूट न जाए। आपको बता दें सोमवार को प्रदेश में 1.5 करोड़ कामगारों को भरण पोषण भत्ता यानी श्रमिकों के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया 1000 रूपए। हालांकि आपको बता दें सभी मजदूरों के खाते में अभी ये योजना का पैसा नहीं पहुंचा है। ई श्रम स्कीम के तहत योगी सरकार कामगारों के भरण पोषण भत्ते के रूप में 500 रूपए दे रही है मार्च तक, यानी आपको दिसंबर और जनवरी का पैसा 15 तारीख तक मिल जाएगा 1000 रूपए। लेकिन आपको जान लेना है कि अगर आप पात्र हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। योजना के तहत सड़क के किनारे रेहड़ी खोमचा लगाने वाले, रिक्शा ठेला चालक, नाई धोबी, दर्जी, मोची, फल सब्जी विक्रेता, ये लोग शामिल हैं। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग उन श्रमिकों का है जो निर्माण कार्य से जुड़े हैं। कोरोना के पहले संक्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर समाज के इस सबसे वंचित वर्ग का हर संभव मदद की थी। दूसरे चरण में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर रहे, ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को, चाहे वो ठेला खोमचा रेहड़ी खोखा वाले हों या पटरी दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा ई रिक्शा वाले हों या घर की कोई महिला हो, इन सभी लोगों को मिलने वाला है भरण पोषण भत्ता 1000 रूपए, यानी कुल मिला के 2000 रूपए मिलेगा दिसंबर से लेकर मार्च तक। और इसके साथ आपको बता दें उन लोगों को श्रम कार्ड में पैसा नहीं मिलेगा जो पीएम किसान निधि या फिर अन्य किसी प्रकार से भरण पोषण भत्ता पा रहे हैं, यानी जो पीएम किसान सम्मान निधि में 2000 रूपए प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों को श्रम कार्ड में 2000 रूपए नहीं मिलेगा। यानी 1000 रूपए की 2 किस्त नहीं मिलेगी किसान धारकों को, और बाकी के लोगों को श्रम का लाभ मिलेगा। और आपको बता दें ई श्रम कार्ड में अगर आपने अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही डाला है, मोबाइल नंबर सही डाला है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, वरना आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछे, जिससे आपको सुझाव दिया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।